भाई कुछ कस्टमर खड़े हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। तो भैया कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? भैया मैं अराउंड 8th स्टैंडर्ड में था। अच्छा, तब से आ रहा हूँ यहाँ पे, और इवन नवरात्रि में हमेशा आता हूँ, रेगुलर आता हूँ यहाँ पे, हाँ, लस्सी पीने यहाँ की। अच्छा, तो कैसा टेस्ट लगता है आपको? बहुत अच्छा टेस्ट है, और अभी तो इम्प्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है। अच्छा, तो 8th स्टैंडर्ड में थे जब से आ रहे हो आप यहाँ पे, कितने साल हो गए भैया आपको? अभी मैंने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, तो आप कैलकुलेट कर लो कितने साल हो गए। अच्छा, कम से कम आपको 6-7 साल हो गए यहाँ पे, ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं भूखा शेर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ बदरपुर मार्केट में। बदरपुर मेन मार्केट में मैं आ चुका हूँ, और जो कि यहाँ पे पन्ना स्वीट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और चलता हूँ इनके पास और आपको दिखाता हूँ। ऐसे मैं अच्छे अच्छे फूड लाता रहता हूँ, दिल्ली के बेस्ट फूड मैं आपको दिखाता रहूँगा, इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो ये भाई इनका पन्ना स्वीट के नाम, काफ़ी पॉपुलर है, 30-35 साल से बिक रही है। और भाई ये देखो, दबा के भीड़ हो रही है। ये बाबू काम करोगे? ये है भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, 30-40 साल से बिकी जा रही है लस्सी, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकती है यहाँ पर। और भाई यहाँ समोसे भी है इनके, कर दो ना भैया, कचौड़ियाँ, तीन ब्रेड पैक कर दो और तेल मत डालना। और अभी अभी इन्होंने भाई स्वीट की भी खोला है भाई, ये इनके किस चीज़ का है? ये दही हमारा यानी कि भैंस के दूध का होता है। अच्छा। और हमारी डेयरियाँ हैं जैसे, तो वहाँ से दूध आता है। अच्छा। और हम उस दूध को खुद ही गर्म करके खुद ही जमाते हैं। अच्छा। ये प्रॉपर फुल क्रीम का हमारे भैंस का दूध का दही होता है। अच्छा। इसकी हम लस्सी बनाते हैं। अच्छा। आओ लस्सी की मेकिंग आपको दिखाते हैं। तो भैया कितना दही डाल दिया इसके अंदर आपने? जी हम इसमें यानी कि 1.5 किलो दही डाल दें। अब इसमें 1.25 किलो चीनी डाल देते हैं। ये 1.25 किलो चीनी डल गई है इसके अंदर, क्या बात है जी। ये देख भाई, अब इसको मिला रहे हैं। ये देख, 1.5 किलो दही, 1.25 किलो चीनी डाल के इसको मिला दिया। तो भाई कब से चला रहे हो आप ये? कितना टाइम हो गया इसको? जी हाँ, इस यानी कि हम अभी यहाँ पे 4 साल से वर्क कर रहे हैं, बाकी इस लस्सी को काफ़ी समय हो गया है, लगभग यानी कि 30-40 साल पुरानी दुकान है। अच्छा हाँ, और इसका लस्सी है ना? जी हाँ, देखो ये मिश्रण हो गया। अब इसमें थोड़ा हम क्या है कि 1.25 किलो दूध थोड़ा आइस में मिलाते हैं। अच्छा जी, ये देखो जी क्या हुआ है। तो भाई दिन में जैसे कितना किलो दही निकल जाता है आपको भाई? हम यहाँ पे जैसे इसी मौसम के हिसाब से दही रहता है, कुछ दही भी बेचते हैं, कुछ लस्सी भी बना के बेचते हैं। अच्छा, हमारा 8 कुंडा 10 कुंडा 12 कुंडा बेच जाता है, और गर्मी तेज रहती है तो 15 कुंडा तक हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, 15 कुंडा तक पहुंच जाता है। जी हाँ। तो दही भी बेचते हो आप? हाँ जी, दही। तो क्या रेट होता है किलो होता है भाई? हाँ, 120 रुपये किलो दही है। 120 रुपये किलो जी। अच्छा जी, मिश्रण हो गया। अब इसमें हम 1.5 किलो दही और डाल देंगे। 1.5 किलो दही और डलेगा इसके अंदर? वही हमने बना के रख लिया। अच्छा, ये मतलब रेडी होगी? हाँ, इसमें 2 भाग यानी कि हम और बना सकते हैं, ये यानी कि मग बना देते हैं। अच्छा, देखिए तो ये देखो भाई, दोबारा से काफ़ी सारा इसमें दही जा रहा है। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे बदरपुर में ये। इसका भाई एड्रेस क्या पड़ता है? ये है बदरपुर में, हाँ, मेन मार्केट बदरपुर, 2 नंबर गेट। अच्छा, मेन मार्केट बदरपुर, गेट नंबर 2, किला नंबर। क्या बात है। और भाई ये देखो, ये दबा के भीड़ हो गई, ये आपकी लस्सी तैयार होगी। ये लस्सी तैयार होगी, तो एक गिलास लगाओ भैया हमारा, हम भी ट्राई करते हैं। ये हम इसके ऊपर छारी डाल देते हैं। अच्छा, तो ये डाल देंगे जी। क्या बात है। अब इसके हम चेक करेंगे, लस्सी आ गई हमारी, आपको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट। लस्सी आ गई हमारी, और काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मलाई डाल रखी है इस पर। तो भाई ट्राई करते हैं आप। भाई अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, काफ़ी स्वीट है और काफ़ी क्रीमी है। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटा, कैसे हो? बढ़िया, आनंद है। आनंद है? हाँ। तो नाम क्या है अंकल जी आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश है? हाँ। अच्छा, तो ये आपकी लस्सी यहाँ पर इतनी पॉपुलर है? पॉपुलर है, पॉपुलर इसलिए है कि यहाँ ओरिजिनल माल मिलता है। अच्छा,
और क्वालिटी बढ़िया देता है, क्वालिटी बढ़िया है, ओरिजिनल माल है। और जो एक बार पी लेता है वो 10 बार पीता है और 100 आदमियों को साथ में लाता है। अच्छा, यहाँ इलाके में ये हल्दीराम है दूसरा। अच्छा, इलाके का हल्दीराम है। मेरे को भी काफी बंदों ने रेकमेंड करा था कि इनकी लस्सी आप ट्राई करो, काफी ज्यादा फेमस है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। क्वालिटी अच्छी नहीं, यहाँ पूरा भरोसा है लोगों को कि भाई लेनी है तो पन्ना की ही दुकान से लेनी है, पन्ना स्वीट पे आना है। और यहाँ तक की बात है कि रिश्तेदार 10-10, 20-50, 50-100 किलोमीटर तक वो अपने रिश्तेदार को कहते हैं। अच्छा। लेकिन मुख्य चीज है तो लस्सी है, कलाकंद है, गुलाब जामुन है। अच्छा। जो भी चीज हम बनाते हैं यहाँ ग्राहक को पूरा भरोसा होता है, आंख मीच के जैसे ले जाओ। अच्छा, ये नहीं देखते औरों को में शंका होती है खरीदने में, पर विश्वास है बंदों को कि इतने टाइम से चला रहे हैं, इतना टाइम से चला रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी को गिरने नहीं देते। अच्छा, आप क्वालिटी मेंटेन रखते हो। क्वालिटी मेंटेन रहती है और उसी मेंटेन के भरोसे पर ग्राहक को भरोसा होता है कि अब कितने भी दुकान हो सबको छोड़ता हुआ यहाँ पे आएगा। हाँ, मैंने देखा कि काफी ज्यादा बाहर भीड़ हो रखी है, आपकी लस्सी चल रही है और काफी कस्टमर भी आ रखे हैं यहाँ पर। कस्टमर क्या है, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वेटिंग करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं आपकी लस्सी। कचौरी बड़ी फेमस है यहाँ की, समोसे, कचौरी और आपके ब्रेड पकौड़े, जो भी कुछ हम बनाते हैं भगवान की कृपा से वो सब चीज फेमस होती है। और सभी चीज फेमस होती है और सभी चीज लोगों को पसंद होती है। अच्छा, तो इतना टेस्ट उसमें, इतना प्यार डालते हैं, इतना प्यार डाला हुआ है, इतना ध्यान रखते हैं इस चीज का। अच्छा, कि हम क्वालिटी जो है बिगड़ ना जाए। अच्छा, क्वालिटी से आप छेड़छाड़ नहीं करते? कोई छेड़छाड़ नहीं है, रेट चा बड़े बढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन हम तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लोगों को पूरा भरोसा है और इसी भरोसे पर हमने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है और इसी भरोसे पे हम जो है विश्वास के साथ अपना माल बेचते हैं और विश्वास के साथ लोग उसको ले जाते हैं। और जैसे हल्दीराम का नाम देख के लोगों को खुशी होती है ना, मिठाई आ गई, ऐसे पन्ना का नाम देख के अगर उस डब्बे पे खुशी होती है कि वहाँ की मिठाई आई है। क्या बात है अंकल, समझ गया ना मेरी बात को? जी जी, तो कहने का मेरा मतलब है क्वालिटी हम सब बढ़िया। अंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें।